मिलेट्स एक बहुत ही पुराना अनाज है जिसे हमारे पुरखे खाते थे, और श्री धनिया मिलेट्स वो 5 मिलेट्स हैं जो हमारे शरीर की किसी भी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। बाजरा, ज्वार, रागी और प्रोसो मिलेट सारे मिलेट हैं। इनके अलावा 5 मिलेट्स हैं जिन्हें श्री धनिया मिलेट्स कहते हैं, जो हैं फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कंगनी, ब्राउन टॉप मिलेट, हरी कंगनी, बानियार्ड मिलेट, झंगोरा, कोडो मिलेट, कोतरा और लिटिल मिलेट, कुटकी। तो स्क्रीन पे जो 5 मिलेट पड़े हैं वो श्री धनिया मिलेट्स हैं। अब आपको हम इनको नजदीक से दिखाएंगे और एक एक मिलेट के बारे में आपको डिटेल विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लिटिल मिलेट की बात करेंगे। इसके जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है इस ग्रेन की या मिलेट की, वो सामने स्क्रीन पे दी गई है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मिलेट की हम बात करेंगे वो है लिटिल मिलेट। इसको कुटकी कहते हैं और अफ्रीकन मिलेट भी। ये लाइट ग्रे कलर का होता है। ये मिलेट खास करके पैनक्रियाज और थायराइड के लिए सबसे बेस्ट है, और ये जो औरतों की परेशानियां हैं उनमें ये बहुत कारगर है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये ठीक रखता है। अब दूसरी जो मिलेट है वो है फॉक्सटेल मिलेट, और इसका न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन जो है वो आप सामने स्लाइड पे देख सकते हैं। दूसरा जो श्री धनिया मिलेट है वो है फॉक्सटेल मिलेट, इसको कंगनी कहते हैं और ये इटालियन मिलेट भी है। इसका बेनिफिट ये है कि ये ब्रेन, स्पाइन, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को दुरुस्त रखता है, और ये प्रेग्नेंट वेमेन के लिए बेस्ट फूड है। तो तीसरा श्री धनिया मिलेट है ब्राउन टॉप मिलेट, इसको हिंदी में हरी कंगनी और छोटी कंगनी कहते हैं, अमेरिकन मिलेट भी इसे कहते हैं, और इसमें फाइबर सब मिलेट से ज़्यादा है, 12.5 ग्राम। इसके न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन आप सामने दिए गए स्लाइड में देख सकते हैं। और ये है ब्राउन टॉप मिलेट। और ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। जब पानी में इसको सोक करते हैं तो ये पानी को हल्का सा हरा रंग देता है। ये नेचुरल कलर है। तो इसके जो फायदे हैं, ये डाइजेस्टिव, ब्रेन, स्पाइन और स्केलेटल सिस्टम्स को दुरुस्त रखता है, दुरुस्त करता भी है, और सारी बॉडी सिस्टम्स को ये डिटॉक्सिफाई करता है। इसको ग्रीन मिलेट भी बोलते हैं। तो चौथा मिलेट है कोडो मिलेट, इसको कोदरा बोलते हैं। ये हिमालयन मिलेट है। इसके जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है वो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है, और पानी में जब इसको सोक करते हैं तो ये पानी का रंग तकरीबन थोड़ा सा लाल कर देता है। ये भी नेचुरल कलर है, और ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, और ये बोन मैरो को भी क्लीन करता है। ब्लड की क्वालिटी जो है ये नॉर्मलाइज करता है, और बैक्टीरिया, बैक्टीरियल फीवर्स और गैंग्रीन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। तो लास्ट मिनट जो है वो है बानियार्ड मिलेट, इसको हिंदी में सामा कहते हैं, इसको जापनीज मिलेट भी बोलते हैं, पंजाबी में इसे स्वांक बोलते हैं। इसका न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये क्रीमिश कलर का होता है, और ये सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर और किडनी, इनको साफ रखता है, क्लींस करता है। एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो भी हैं उनको भी साफ करता है, क्लीन करता है। ये जॉन्डिस के, थायराइड के और किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स के लिए ये बेहतरीन खाना है। तो आप गेहूं और चावल की जगह पे इन मिलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 5 श्री धनिया मिलेट्स हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आप चावल का पुलाव, बिरयानी और चीज़ें बनाते हैं, इन मिलेट्स की भी बना सकते हैं। अगर मिलेट्स को
आप फ्लावर बनाते हैं, यानी कि इसका अगर आप आटा बनाते हैं तो उसकी आप रोटी भी बना सकते हैं, आप इसका डोसा भी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब आप मिलेट्स खरीदें तो ये देखें कि वो अनपॉलिश्ड हों, पॉलिश्ड ना हों। तो ये जज करना कि ये पॉलिश्ड हैं या नहीं हैं, उनका नेचुरल कलर आपको मैंने बता दिया है। अगर ये सारे मिलेट्स वाइट कलर में हैं तो समझिए कि ये पॉलिश किए गए हैं, अगर इनका नेचुरल कलर है तो ये मिलेट्स अनपॉलिश्ड हैं। तो आप मिलेट्स को खाएं।